दादाजी। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हमें जाने दो भैया, हमारे पास जो कुछ भी था हमने तुम्हें दे दिया और कुछ भी नहीं है। भैया पगली गाली देते पर भैया मत बोल। भैया प्लीज हमें जाने दो। अरे भैया नहीं रहे सैया वो। कंचना नाम के एक डॉगी की, जिसने अपनी मालकिन का रेप होते देखा, जो एक प्यारी सी बच्ची थी। ए, गाड़ी रोक, पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है, निकलो जल्दी, भागो। छोटी बच्ची, she has been brutally raped. तीन लोगों ने उसका रेप किया है। हमने पूरी कोशिश की है, but उसका ब्रेन डेड हो गया है। इसी हॉस्पिटल में एक और लड़की आई है जिसके हार्ट में ब्लड क्लॉट आ गया है। उसे फॉरेन डोनर की जरूरत है। आपकी पोती का ब्लड ग्रुप और सारे पैरामीटर्स भी उस लड़की से बिल्कुल मैच करते हैं, तो अगर आप मान जाए तो आपकी पोती किसी और लड़की में जिंदा रहेगी।
चिंता मत कीजिए, अब आपकी बेटी सेफ है। राइट टाइम पर डोनर मिल गया, ऑल गॉड्स ग्रेस। अब आपको ध्यान रखना होगा, वो जोर जोर से ना चिल्लाए और टेंशन बिल्कुल ना ले, उसको अपनी दवाएं बराबर लेनी होगी। मैं ख्याल रखूंगा। डॉक्टर, क्या आप मेरी बेटी के डोनर के बारे में कुछ बता सकते हैं? सॉरी, डोनर ने बताने से मना किया है मुझे। कंचना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी कार में दम तोड़ दिया, लेकिन इस इरादे के साथ कि वो उस बच्ची के कातिलों से बदला लेगी। उसकी आत्मा इस कार में समा गई। अब वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती थी, जो चाहे वो कर सकती थी। कार का इंजन उसकी धड़कन थी, कार का एग्जॉस्ट उसकी सांसें थी, कार की हेडलाइट्स उसकी आंखें थी। कार ही अब उसकी नई जिंदगी थी, ऐसी जिंदगी जो बेलगाम थी। मुझे अपने पति पर शक है कि उसका मेरी दोस्त फरहा के साथ कोई चक्कर चल रहा है। तुम्हें शक होना चाहिए क्योंकि वो फरहा के साथ ही घूमता है। बताओ, खुद से ज्यादा खूबसूरत लड़की को तुम ही तो अपने घर लाई थी ना बेटी, तो पति की लार टपकेगी ही। मर्द की जात ऐसी ही होती है, वो लड़की को देखकर फिसल जाता है, ये समझ में नहीं आता? तू उसे अपने लिए लाई थी ना, पर अब वो उसकी हो गई। अब तू ये रोना बंद कर, सवर से काम ले, उसकी चाय में जुलाब की गोली डालकर उसे पिला दे, फिर तू देखना उसकी ऐसी मिट्टी पलीद होगी कि उसको घर में पानी कम पड़ जाएगा। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? अरे मत रो बेटा, चुप चुप हो जा, आंसू पोंछ ले। अगर पल्लवी आ गई और उसने ये सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओफो, मैं तुम्हारे बारे में सोचूं या उसकी जिंदगी के बारे में? लेकिन आज ये किसने रखा? ए, साइकिल छाप बाइक, न्यू मॉडल है, तू भी यही ले ले। मुझे तो लगता है किसी म्यूजियम से लेके आई है। ऐसा लगता है चाइना ने अपना खटारा माल इसको बेच दिया। हाँ, सही कहा। हेलो, एक्सक्यूज मी, तुमने ये साइकिल शॉप स्कूटर कहाँ से खरीदा? बाय। पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या ईएमआई? हम लोग घर के लिए लोन ले ले क्या? लोन के बारे में मत सोचो, घर पर 100 सोने के सिक्के रखे हैं, हम कैश में ही घर खरीद लेंगे ना, ईएमआई की कोई जरूरत नहीं है। yeah.
सस्ते में है मैडम, ले लीजिए। नहीं बस यही ठीक है। बाय स्वीटहार्ट। तुम लोग कौन हो? अंदर कैसे आए? चुप। वॉचमैन। फलाना चुप। इधर ला। छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। चल, उठ, चल, चल, चल। नहीं नहीं शादी हुई है। मुझे जाने दो। जा रहे बेडरूम देख। ठीक है भाई। भाई अंदर से वीआई मिला है। इस सब से काम नहीं चलेगा। सोने के सिक्के कहाँ हैं? बता। इसका पति अभी तो नहीं आएगा ना? अभी नहीं आएगा भाई। पिछले हफ्ते से तू खड़ी खड़ी रो रही है, बैठ क्यों नहीं जाती? अगर मैं बैठ गई तो बहुत अपशगुन हो जाएगा। तो सीरियल वालों को समझा दे कि फराह को वैम बनाकर कहानी आगे बढ़ाए। हम सब जानते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा, कहा ना रो मत। आप ही बताइए मैं क्या करूं? पापा। अरे बाप रे, आफत आ गई। अरे तू बंद हो ना। ओह मर गया, अब तो बम फूटेगा। अरे तू आ गई बेटा। अब कहाँ रह गए थे? यही घर पर ही तो था। अब मैं टीवी साफ कर रहा था, तुम्हारी टीवीएस की आवाज सुनी और भागा भागा आ गया। अच्छा, टीवी साफ कर रहे थे? बिल्कुल सच्ची। तुम अंदर चलो बेटा। अचानक इसके मुंह के इंजन का दूर रहना बंद कैसे हो गया? हमेशा टीवी टीवी टीवी, जाके डोसा बनाइए। मैंने अपनी लड़की को लड़का बनाकर क्या पाल दिया, इसने तो मुझे ही आदमी से औरत बना दिया। ओहो शादी का मौसम शुरू हो गया है। जोशी ने मुझे बुलाया था और कहा था इस महीने जब कुलदेवी की पूजा करने गांव जाऊं तो उससे मिल लूं एक बार। ये बात मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं? मैं उसे मंदिर कैसे ले जाऊं? शादी के लिए उम्र बढ़ती जा रही है इसकी। पापा आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, अब आप जल्दी से शादी कर लीजिए। हाँ इसने तो मेरे मन की बात कह दी। तो मेरी कुंडली मिलाई जा रही थी। पापा आप चुप क्यों हैं? आप अकेले बोर हो जाते हैं ना? आप शादी कर लेंगे तो मियां बीवी बैठकर सीरियल देख सकते हैं। ये मुझसे कुछ उगलवाना चाहती है। नहीं मेरी एक फ्रेंड है, अगर आप उससे शादी कर लेंगे ना तो वो आपको संभाल लेगी और सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। तुम्हारी दो सहेलियां अच्छी हैं, प्रभा और रोहिणी दोनों। इसने मुझसे उगलवा ही लिया है, कटोरी बच गई। ऐसे काम कैसे चलेगा? इसने सुबह ही मेरा बैंड बजा रखा है, समझ में नहीं आता इसके दिमाग में क्या चल रहा है। जय संतोषी महा। बड़े आए मेरी फ्रेंड से शादी करने वाले। अपनी उम्र देखी है आपने? प्रभा रोहिणी के बारे में सोच में कैसे लिया? हाँ जहाँ लड़की देखी मुँह से सीटी और हाथ से ताली बजाने लगे। हद कर दी है आपने। सीरियल में जवान जवान माओ को देखकर खुद भी वैसा ही सोचने लगे। लेकिन तुम्हारी फ्रेंड? क्या मेरी कोई आंटी टाइप की फ्रेंड नहीं हो सकती है? हाँ बताइए। क्या बताऊँ बेटा, लगता है सीरियल देख देख कर दिमाग खराब हो गया है। एक काम करते हैं बेटा, कुलदेवी के दर्शन करके आते हैं, उससे मन्नत मांगेंगे तो वो भूत निकाल देगी। आप चाहते हैं कि मैं मंदिर जाऊँ है ना? आपका गाँव बस से उतर कर पूरे 5 मील पैदल चलना पड़ता, नहीं जाऊंगी। हाँ ऐसा क्यों कह रही हो, जब हम दोनों वैष्णो देवी गए थे तो 15 मील पैदल चले थे, ये तो 5 ही है मुन्नी, चल सकते हैं। एक बार कह दिया ना, आपकी समझ में नहीं आता, मैं नहीं जाऊंगी। बस बस बस, बस। मत होना, डॉक्टर ने मना किया, खाओ ना। ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी। फंस गई। हम कब जाएंगे? कार से चलेंगे, ठीक है ना? बहन का कॉल टैक्सी का बिजनेस है। ठीक है जाओ अपना काम करो। ओके आ गए। भैया कितने पतले हो गए हैं आप, पल्लवी ठीक से खाना नहीं खिलाती है। मैं तुम्हें पतला लगता हूँ? हाँ। देखो हाथी के जैसा हूँ। अंदर चलेंगे या यही बात करेंगे? अंदर आइए, चलो चलो। कितना प्यार करती है मेरी बहन, मेरी बात नहीं टालती है।
अंदर चलिए। आज हमारी तरफ कैसे आना हुआ भैया? वैसे कोई खास बात नहीं है बहन, मैं सोच रहा हूँ कि गांव जाकर हम दोनों कुलदेवी के दर्शन करके आए हैं। अपनी कुलदेवी के? हाँ बहन। हाँ। जब हमने कॉल टैक्सी शुरू की थी तब मैं जाकर आई थी। कब जाना है? अभी जाना है, उसी के लिए तो हम आए हैं। बस 15 कारें हमें दे दो, गाँव में जब कारों का कारवां पहुँचेगा तो वो सब हमारे वीके कॉल टैक्सी का रुतबा देख कर दंग रह जाएंगे। पल्लवी भी खुश हो जाएगी। ऐसे कैसे एकदम से आप गाड़ी मांग सकते हैं? हमारी सारी गाड़ियाँ बुक्ड है। आपको मेरा कंपनी का नंबर मालूम है ना? आप बुक करते समय मेरा नाम बता दीजिएगा, मैं उनसे कह दूंगी, वो आपको डिस्काउंट दे देंगे। हाँ पापा, यहाँ से चलिए। हड़बड़ी मत करो बेटा, थोड़ा रुक जाओ। अरे आप आ गए? क्या चल रहा है? कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए इन्हें कार चाहिए। फ्री में गाड़ी लेने आए हैं क्या? आखिर इन्हें कार क्यों चाहिए? कार वो लोग लेते हैं जिनकी औकात होती है, ये लोग कार के लायक हैं क्या? भाई साहब, तमीज से बात कीजिए। तमीज से तुम्हारा मतलब क्या है? ओए ए चुप कर, तुम हमें कार में बैठने की तमीज सिखा रहे हो? हाँ, जब गांव में तुम्हारे माँ बाप बीमारी की वजह से मर गए थे, तुम्हारी माँ बनकर इन्होंने ही तुम्हें हाथ से खिलाया पिलाया पाला पोसा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल तक पढ़ाया और फिर तुम्हें इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में भेजा। रोज 13 किलोमीटर साइकिल पर बैठाकर तुम्हें स्कूल छोड़ने जाते थे। जब तुम्हारी उम्र की लड़कियां चूल्हा फूंकती थी तब पापा ने तुम्हें कॉलेज भेजा। वहाँ किस लिए गई थी? पढ़ाई करने गई थी ना। लेकिन तुमने क्या किया? भैया मैं जमींदार के बेटे से प्यार करती हूँ। जिसे तुम जमींदार कहती थी उसके बारे में पता किया तो वो जमींदार नहीं था, जमींदार के यहाँ घास काटता था, वही है ये। चुपे, अबे बीच में ठोक दो तो भूल जाती है। पापा मैं कहा थी इसके खानदान को लपेट रही थी। हाँ, शादी के लिए घर गिरवी रखा और तुम्हें 50 तोला सोना भी दिया जिससे तुम्हारे घर चूल्हा जले। तुम्हारा पति तो बेकार था इसीलिए इसे गाड़ी खरीद कर दी। इसकी औकात तो बैलगाड़ी तक खरीदने की नहीं थी। फिर उसने उसी दहेज के पैसे से पहले एक गाड़ी दी, फिर दूसरी गाड़ी दी और फिर ये कॉल टैक्सी शुरू किया। उसके बाद मेरे पापा के नाम विवेक खन्ना को स्टाइल दिया, वीके कॉल टैक्सी को बुलाइए। ये जो झूठी शान शौकत है ना, उसका मूल धन पापा की दी हुई एम्बेसडर कार ही है। और आज तुम्हारी तरक्की से जुड़ा है पापा का नाम और जुड़ी है इनकी किस्मत। इन सब के बाद भी तुम्हें लगता है कि इन्हें फ्री की सवारी चाहिए? अरे भिखारी राजा को क्या डिस्काउंट देगा? मैं जो बोल रही हूँ ना उसको लिख लो। इनकी जगह मैं लिख देता हूँ, जरा ऊंचा बोलना है, तेरा पापा लिखेगा। मैं भी एक कार खरीदूंगी, कॉल टैक्सी शुरू करूंगी और ऐसा धंधा चलाऊंगी कि अगर मैंने तुम्हें भिखारी नहीं बनाया तो मेरा नाम पल्लवी खन्ना नहीं होगा। पापा हम इनकी बैंड बजा देंगे। हो गया मेरा, जा रही हूं। मैं भी आया। मोटी कौन? तू मेरे खानदान की है बंदरिया, तू लालची। सर ये बिल्डिंग नहीं बनी है सर, कुछ ही फ्लैट्स में लोग रहते हैं। ये तब हुआ जब लोग यहाँ नहीं थे। ये रेप और मर्डर का केस है सर, देखकर लगता है कि चोरी के इरादे से ही मर्डर किया गया है। तुम ऑफिस से घर कब तक आ जाते हो? सुबह 8 बजे जाता हूँ और रात को 9 बजे तक वापस आता हूँ। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ। ओके सर, अभी भेजता हूँ। अरे हैं? अभी तक? ये तो मुझे 5 बजे उठाकर बिजनेस की प्लानिंग करने वाली थी, देखो तो खुद 10 बजे तक सो रही है। अभी उठाता हूँ। पल्लवी बेटा, पल्लवी बेटा। पल्लवी बेटा, पल्लवी बेटा, तुझे अपनी बुआ से बदला लेना है ना, तो उसके लिए तुझे उठकर काम करना पड़ेगा मेरी मुन्निया। हैं? ये सुबह ही सुबह भगवान के पास क्यों पहुंच गए हैं? याद आ गए। क्या याद आ गए? तुम्हारी एक लात ने
भगवान याद दिला दिए। मैंने लात मारी हाँ? बचपन की आदत है तुम्हारी, अभी तक गई नहीं। अरे मेरी राज दुलारी, कल क्या हुआ था तुझे याद नहीं है? क्या हुआ था? क्या हुआ था? बुआ ने हमारी बेइज्जती की थी, तू गुस्सा हो गई थी। है? ये फिर भूल गई, तूने वादा किया था कि मुझे सुबह उठाएगी, हम कार खरीदेंगे और कॉल टैक्सी शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, हमें धंधे के बारे में सोचना चाहिए। मैंने वैसे ही कह दिया होगा पापा। वैसे ही कह दिया था? हाँ। मुझे लगा तू सीरियस है, मैं तो डर ही गया था। छोड़ दे, पापा को पेंशन मिलती है ना, उसमें खाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, फिर से खाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं सीरियस हूँ पापा। 10, 20, 30 ये क्या कर रही हो बेटा? हाँ? कार के लिए पैसा जमा कर रही हूँ। कार के लिए? खिलौना कार के लिए? जमा कर लो, जमा कर लो, तुम्हारे खेलने के लिए 2-3 टॉय कार आ जाएंगी, इतना पैसा तो है इसमें। जाके अपने जमा किए हुए पैसे निकालिए जाइए। मेरे पास पैसा कहाँ है? मैं जाके निकालूं? मिट्टी में क्यों जमा करके रखे हैं? मिट्टी? ये तो सरसों है। ओ, ये सरसों है? अरे कहाँ जा रही है? इसको पता कैसे चल जाता है? गम गलत करने के लिए पीता हूँ। हम दो लोग ही यहाँ रहते हैं, तो फिर ये मुझसे छिपा के पीने की क्या जरूरत है? शक मत करो बेटा, मैं तो इसलिए यहाँ छिपाता हूँ ताकि चोरी ना हो जाए और चोर ना पी जाए। काफी जमा हो गया। तुमने बाप की दौलत खोद खोद कर निकाल ली। कुछ और बचे हैं? कुछ नहीं बचा। अरे पल्लवी बेटा, मेरी चांदी की करधनी। जाइए बाकी लेकर आइए। उसे मत लो ना। मैं लेकर आऊं कि आप लेके आओगे? प्लीज बेटा, वो नहीं, वो नहीं। लाएंगे या नहीं? ठीक है, लाता हूं। कितनी बेदर्द है ये, जो अपनी माँ की आखिरी निशानी भी मांग रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब मैं पालने में थी तब से आपने मुझे उंगली पकड़ाकर इतना बड़ा किया, और अब उस औरत के लिए रो रहे हो जो पड़ोसी के साथ भाग गए। हाँ लाइए दीजिए। जो भी हो, वो तेरी माँ थी। तेरी तो कुमार था। यस सर, ये बिल्डिंग की सेक्रेटरी है। आप लोग इतने बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हो लेकिन सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए? 2 दिन पहले ही सीसीटीवी लगाने के लिए मार्किंग की गई थी सर, पर उसके पहले ही ऐसा हो गया। हाँ ठीक है, जल्दी लगवा लीजिए। ठीक है सर। सर, ये उस घर की बाई है। सुबह काम पे कितने बजे आती हो? सुबह 8 बजे तक आती हूँ, 9 बजे तक काम खत्म करके चली जाती हूँ, शाम को 4 बजे वापस आती। किसी अजनबी को तुमने यहाँ देखा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। उनका कोई पड़ोसी है? सर ये पड़ोसी है, आइए सामने आइए। क्या आपको कोई चीख पुकार सुनाई? नहीं सर, मैंने नहीं सुनी। आपके हस्बैंड क्या करते? वो फॉरेन में है सर। विक्टिम से आपकी बातचीत होती थी? हम अजनबियों से बात नहीं करते सर, मुझे डर लगता है, मैं घर में ही रहती हूँ। घर में दम नहीं घुटता? पड़ोसियों से मेलजोल रखने से हाथ से कम होते हैं। किसी ने कोई आवाज सुनी थी क्या? नहीं सर। या कोई संदेहजनक व्यक्ति को देखा हो? नहीं सर, हमने तो नहीं देखा। जाइए आप लोग। हाँ सर, सर ये सब्जी बेचने वाले, न्यूज़पेपर देने वाले, दूध बेचने वाले इस बिल्डिंग में आते ही होंगे ना? ये सब गेट पर देकर चले जाते हैं साहब, फिर मैं खुद सारी चीजें फ्लैट पर पहुंचाता हूं। मर्डर हुआ उस वक्त तू कहां था? सर मैं बच्चों को छोड़ने स्कूल गया हुआ था। सर कुमार, सर अपार्टमेंट में उस वक्त कौन कौन था, उन सबकी डिटेल्स लेकर के पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके सर। और भी गाड़ियां हैं सर। इसकी टोन बाहर आ गई है, रात में जरूर बियर पीता होगा, इसलिए टेडी बेयर बन गया है। बेटा पल्लवी, तुम रुक क्यों गई? तबीयत खराब है? पता नहीं पापा, अचानक से दिल की धड़कन तेज हो गई। देखा तुमने मुझसे झूठ बोला था ना कि तुमने नाश्ता कर लिया है, दवाई ली थी या नहीं? चलो डॉक्टर के पास। नहीं, चलो। नहीं, नहीं पापा, रहने दीजिए, मैं अब ठीक हूँ। जिद मत करो। नहीं पापा, सीरियसली मैं ठीक हूँ, चलिए चलिए। यहाँ सारी कारें बिकाऊ हैं? हाँ सर बिल्कुल। सर ये मॉडल बिल्कुल नया है, कार सिर्फ 5,000 किलोमीटर चली है। वैसे दिखने में तो अच्छी है। बिल्कुल सर,
पर कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। अरे सर आप मॉडल देखिए। मुझे तो ये कार पसंद आ रही है, बस मेरी बेटी को पसंद आनी चाहिए। और कोई है तो दिखाओ। हाँ सर दिखाता हूँ, ये देखिए सर। ये वाली कैसी है? ये तो जबरदस्त है, फुल हाईटेक मॉडल है सर, और ये आपके बजट में भी आएगी। 2013 का मॉडल है, माइलेज एकदम मस्त है, मेरी गारंटी है। ये कार अच्छी है ना पापा? कार तो अच्छी है बेटा, पैसे जरा कम करने को बोलो ना, इसका जरा GST वगैरह निकाल कर बताओ। अरे सर आप ही के बजट में है, मैं बोल रहा हूँ ना। मुझे तुम्हारा इंतजार है। पापा। हाँ बेटा। तो क्या हम ये वाली कार खरीदें? कौन सी कार? ये देखिए ये वाली। ये कार है या डब्बा है? ये वाली कार? पागल, ये म्यूजियम वाली कार है, इन्होंने शो के लिए लगा रखी है। बेटा ऐसी कारें पुरानी फिल्मों के शूटिंग में इस्तेमाल होती हैं। दिमाग खराब है, पैसा खर्च करके कबाड़ खरीदेगी? देखो पापा। समुंदर पापा। पापा एक्चुअली जनरली जो लोग कॉल टैक्सी कंपनी चलाते हैं वो स्विफ्ट, इंडिका, इनोवा जैसी नॉर्मल कार ही अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड है। लेकिन मेरा आइडिया कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? आराधना जैसी कार, राजेश खन्ना जैसे चलाते थे, डॉन में इस तरह की कार बिग बी ने चलाई थी, पाकिजा में मीना कुमारी के पास थी, अब ये भंगार है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम पुरानी कारें खरीदकर अपनी कंपनी चलाएं तो फिर कैसा रहेगा पापा? फिर कैसा रहेगा? फिर ऐसा रहेगा कि जो भी कस्टमर्स हमारे पास आएंगे वो कहेंगे डॉन वाली में बैठना है, राजेश खन्ना वाली लेकर आओ, मशहूर कार में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। हाँ इसका ये आइडिया हमें मरवाएगा। ये है मेरा आइडिया, जाकर खरीदिए। पुरानी कार की रीसेल वैल्यू नहीं है, गारंटी भी नहीं है, ये एक दिन भी नहीं चलेगी तो ये मेरा दिवाला निकल कर रहेगी। कौन है? ये काम की नहीं है बेटा। ये काम की है, ये देखिए। खरीद भी ली। हट के सोचा करो पापा। कॉल टैक्सी के लिए एक पंचलाइन सोची है। कौन सी बेटा? सुनिए, जो बैठे वो ना पछताए, जो ना बैठे वो पछताए। हाँ, मैं दोहराता हूँ, जो बैठे वो पछताए और जो ना बैठे वो ना पछताए। We'll be right back.
से आ रही थी। ओफो, शे, बिल्ली है। अरे ये चाबी कार में कैसे लगी रह गई? उसे बहुत मारा सर, लेकिन वही बात दोहरा रहा है। सब करके देख लिया सर, मुझे लगता है सच बोल रहा है। ये बच्चों को स्कूल छोड़ने ही गया था। और कुछ पूछताछ करनी है? छोड़ दो उसे, जा भाई घर जा। सर, वॉचमैन ने देखा नहीं, सीसीटीवी था नहीं, हस्बैंड भी बाहर था। किसी ने इन सारी बातों पर अच्छे से गौर किया है। पापा, सुनते हो? जल्दी आओ, बाहर आओ जल्दी। देखा, उसके घर के बाहर लगाया है। बहुत अच्छे पापा। क्या हुआ, क्या है? वो देखो। अब वी के नहीं, पी के। पल्लवी खन्ना कॉल टैक्सी। जल कुकड़ा और कुकड़ी आ गई क्या? अगर यहाँ इतने पोस्टर लगा दिए हैं, तो पूरे शहर में कितने लगा दिए होंगे? इस गेंडे और उस भैंस का बिजनेस आज से खत्म समझो। मैंने कहा था अगर ये 1000 पोस्टर किसी चौराहे पर लगाते ना, तो ऑफर पर ऑफर गिरते यहां पर। तूने ये क्यों किया? गुस्से में तूने अपनी बुआ के घर के बाहर सारे के सारे पोस्टर्स लगवा दिए, और नतीजा देखो, एक कॉल के लिए तरस रहे हैं हम बेचारे। अरे घंटी बजी। वेलकम टू पल्लवी खन्ना कॉल टैक्सी। अगर आपको कहीं है जाना तो पल्लवी खन्ना की कॉल टैक्सी को है बुलाना। नमस्कार, बताइए। हेलो मैडम, मैं अग्रीपाड़ा से बोल रहा हूँ। मेरे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, उसे शमशान ले जाने का है। लाश ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए तेरी? तो निकटना मत, कस्टमर है वो, भगवान है वो। देख, अगर तूने दोबारा फोन किया ना, तो मैं तुझे ही लाश में बदल दूंगी। ये धंधा बंद करवाएगी। ये तो बदमाशी है ना पापा। पापा? बेटा पल्लवी, पापा यहाँ हैं। दौड़ कर आए यहाँ, इमोशनल मत हो, चल कैरम खेलते हैं। अगर हमारे पास अप्पू होता तो हमें भी खूब कॉल आते। क्या कहा? मतलब कॉल टैक्सी के लिए एक आदमी होता है अप्पू, जिसकी वजह से बिजनेस खूब चलता है। मैं समझी नहीं। कैसे समझाऊं? वो सेलफोन में अप्पू होता है ना? नहीं नहीं पापा, हा? वो अप्पू नहीं है, हा? वो ऐप होता है, एपीपी ऐप। एपीपी ऐप, भूल जाइए, आप कुछ नहीं समझेंगे। मैं छोटा बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ। मैं उठाऊंगा, ए रुक। हेलो, वेलकम टू पल्लवी खन्ना कॉल टैक्सी। आपको कहीं है जाना तो पल्लवी की कॉल टैक्सी को है बुलाना। कहिए। नमस्ते मैडम, मैं सुंदर नगर से बोल रहा हूँ। हमें गणपति विश्वनाथ जाना है, आप एक टैक्सी भेज सकते हैं? पापा, हमारी पहली ट्रिप है, मंदिर लेकर जाना है, जल्दी से तैयार होकर आइए। बेटी, ये कार हवाई जहाज है, इसलिए पापा ने पायलट कॉस्ट्यूम पहनी है। हैंडसम लग रहा हूँ ना? हमारा बिजनेस शुरू हो गया। पिछले हफ्ते सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए तुम ही गए थे।
एक पैकेट सिगरेट देना। सलाम सर। ये लीजिए सर। नहीं चले, ले लो पैसे। पास के अपार्टमेंट में हुए मर्डर के बारे में कुछ जानते हो? हाँ सुना तो है सर। यहाँ आने जाने वाले किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा? क्या बात करते हैं सर। कितने सालों से हो यहाँ? 3 साल से हूँ सर। माचिस है? सर लाइटर वहां पे है। ये लो अपनी बेडशीट रखो। 3 दिन भी नहीं हुए शिकायत आने लगी। इनका रंग उड़ जाता है, ग्राहक आके मुझे बोलता है, कोई नहीं खरीदता, नकली सामान बेचते हो, मेरे पैसे वापस करो। ये ले और तू बाद में। हाँ ठीक है, आया बड़ा बेडशीट वाला। एक मिनट। हाँ तुम पास के अपार्टमेंट में काम करती हो? हाँ सर। इधर आ। सिर्फ ये दुकान ही चलाता है या कुछ और भी काम करता है? सिर्फ दुकान ही चलाता हूँ सर। ये बेडशीट्स कहाँ से आती हैं? यही देता था सर, ये चाहता था कि मैं कमीशन पे इसकी बेडशीट बेचूं, लेकिन उसका रंग उड़ जाता था सर, वही वापस करके पैसे लेने आई थी। सर सर शुक्रवार को वहाँ एक साइकिल पर बड़ा बेडशीट का बंडल रखा था, किसी को ना देख कर मैंने उस पर से 5 बेडशीट चुरा ली। मैं कुछ नहीं किया सर, सर मैं कुछ नहीं जानता। कब से खड़ी थी वो साइकिल वहाँ? सर वो सुबह 9 बजे से यहीं थी। साइकिल वाले को देखा? नहीं बस उसे जाते हुए देखा। कैसा दिखता था वो? नॉर्थ इंडियन जैसा दिखता था। उस अपार्टमेंट में तुमने कोई बेडशीट बेची थी? नहीं सर। तुमने बेची थी क्या? शुक्रवार के दिन वहाँ मर्डर हुआ, 9 बजे से वहाँ साइकिल खड़ी थी जिसे कोई बाद में ले गया। घर में नई बेडशीट मौजूद थी और साइकिल पर भी बेडशीट रखी थी, लेकिन उसे इन दोनों में से किसी ने नहीं बेचा। कुमार। यस सर। वारदात की जगह पर बॉडी के पास पड़े एक टेबल पर एक बिल्कुल नई बेडशीट रखी थी, ले आओ उसे। यस सर। पल्लवी बेटा। क्यों पापा, मंदिर पहुंच गए ना? कस्टमर ने दिन में बुलाया था पर अभी तक नहीं आया है, वो वेटिंग चार्ज देने वाला है। आ गया कस्टमर, आ गया। हाँ? मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। ये क्या बात हुई, इतनी रात को कस्टमर आया है? बाद में बात करेंगे। हाँ सर, पहले गणपति चले या विश्वनाथ चले? मेरी भगवान से नहीं बनती। भगवान से क्या गलती हो गई भाई, ये गणपति विश्वनाथ क्यों नहीं जाना चाहता है? क्या मामू, डर गया क्या? बहुत लंबे सफर पे जाना है इसलिए देख रहा था कि तुम में हिम्मत है या अंदर से ढूस हो। क्या पता चला? तुम अंदर से सॉलिड हो, अब चल। क्या हुआ? ये खुद को शीशे में देख ले तो खुद डर जाए, तो दूसरों के लिए मुखौटे की क्या जरूरत? सर गाना बजाऊं? मैं गाऊं क्या? नहीं मैं डर जाऊंगा। गनीमत है इसने चलने से पहले डराया, और रास्ते में डराता तो मेरी तो हालत पतली हो जाती। गणपति विश्वनाथ के लिए यहाँ से क्यों कह रहे हो सर? टेंशन मत ले, ये शॉर्टकट ही है। वैसे शॉर्टकट का रास्ता मुझे लंबा लगता है। थोड़ा धीरे बोल, मेरे साथ ही जाग जाएंगे। अरे यहाँ सर कहाँ गए हैं? इधर देख, अंधा है क्या? जल्दी जला तू, आई गला को टाल तू, जल्दी जला तू। ये कहाँ गए? कब्रिस्तान पर क्यों रोकने को कहा? तो क्या मैं तेरे को गणपति बोल के बुक किया था? आपने कहा था कि गणपति विश्वनाथ जाना है। अच्छा मैंने कहा था तो आ तो गए ना। तो कहाँ है गणपति विश्वनाथ? ये रहा गणपति। ये है विश्वनाथ। इस तरह किसी की ऐसी तैसी नहीं करनी चाहिए। जब कोई कस्टमर फोन करे या तो हाँ बोलो या फिर ना बोलो। वो लड़की जो बकबक कर रही थी कौन थी? बकबक करके मेरे दिमाग की बत्ती गुल कर दी, गालियों की बौछार शुरू कर दी। चल जल्दी से कब्र खोद और मुर्दा निकाल, आज बहुत सारे काम करने हैं। ये स्टार्ट नहीं होती, लगता है घर पर कोई खड़ा है। अरे कौन है? चल हट हट, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ। पापा भूत ने दौड़ा लिया क्या? दौड़ाया नहीं, पकड़ा। वो आदमी मुझे कब्रिस्तान ले गया, लेफ्ट से भौं भौं, राइट से हुआ हुआ।
ऊपर से कार की विंडस्क्रीन पर काला धुआं। और तो और पता है, लाश को दफनाते समय वो अचानक से उठकर गाना गाने लगा। आप भी क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हें पता नहीं ये और क्या क्या हुआ। वो मुर्दे मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। वो मुझे उठाकर पटक देते थे और जब मैं पकड़ता था तो हवा में उड़ जाते थे। और घूंघट हटाइए, रो क्यों रहे हैं? अरे कार स्टार्ट करके वापस आ जाते। कैसे स्टार्ट करता? चाबी से स्टार्ट नहीं होती, गियर काम नहीं करता, एक्सीलेटर दब नहीं रहा, ऐसे में दरवाजा भर से बंद हो गया। गाड़ी में एक भूत घुसा और रिवर्स गियर में यहाँ तक ले आया मुझे। मेरी बोलती बंद, हवा टाइट, क्या करता? पहले ही ट्रिप में गड़बड़ हो गई। हमें किसी भैरव मंदिर जाना चाहिए पापा। फिर से कहो। हमें पास के किसी भैरव मंदिर जाना चाहिए। वाह, ये खुद से सोच रही है, इसका फायदा उठाऊं, इसके ऊपर का भूत भगाऊं, जिससे ये जल्दी से जल्दी शादी कर ले। क्या हुआ पापा, हम जा रहे हैं कि नहीं? बेटा ये तो गजब हो गया, तुम मेरे साथ भैरव बाबा के यहाँ जाने को तैयार हो गई? अब धमाल देखना। सामने देखो, बापरे, बुढ़िया की आंख कार की रोशनी से चौंधिया गई है, लाइट बुझा दो। लगता है इसे सुनाई भी नहीं देता। तो कौन है, साथ में कौन है? अपनी बेटी के साथ भैरव बाबा के दर्शन करने आया हूँ, तुझे इससे क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं वहाँ पहलवानी दिखाने नहीं, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तू हट रास्ते से। पापा मुझे लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहती है। तू वहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से वापस जा। मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोच। ए बुढ़िया, तेरी बहू ने तुझे मार मार के घर से बाहर निकाला है, उससे जाकर निपट। यहाँ भड़ास मत निकाल, रास्ता छोड़। पापा ये तो कोई साध्वी जैसी दिखती है। रहने दे, साध्वी का ड्रेस पहन लिया तो साध्वी? इतनी दारू पीकर कोई साध्वी जंगल में मंदिर के चारों ओर घूमती है क्या? हट नशेड़ी औरत, अगर तू ऐसे ही खड़ी रहेगी तो तेरे ऊपर गाड़ी चला दूंगा। इच्छा पूरी नहीं होगी। सारी पूंजी लगाकर ये कॉल टैक्सी शुरू की है, ये कहती है इच्छा पूरी नहीं होगी? तेरा टाइम पूरा हो चुका है, बात तेरा काम नहीं बन सकता। पापा सुना आपने? भूल जा, तू परेशान मत हो। अगर कोई भगवान की राह पर होता है तो बहुत शांति से बात करता है, ये चिड़चिड़ी बेवड़ी है, इसे छोड़, तू चल। पापा ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? गड्ढे बहुत हैं, फंस गई होगी, चलो पैदल चलते हैं। ओहो, लगता है तूफान आने वाला है, अपनी मन्नत मांगकर जल्दी से निकलते हैं। हे भैरव बाबा, मेरी बेटी की शादी हो जाए, वो और दामाद जी दोनों जन्म जन्मांतर तक सुखी रहे, तुम्हारी कृपा बनी रहे भैरव बाबा। We'll be right back.
ए सुनो, ए उठो उठो। आ इधर आना। ये लो 1 करोड़ रुपए, फ्लैट जल्दी मिलना चाहिए। तुझे पता था कि मैं पैसे लेके जा रहा हूँ तो मुझे मारेगा। गाड़ी से पैसों का बैग ले लो और निकलो यहाँ से। ठीक है भाई। ये तुम्हारी दुकान की बेडशीट है? हाँ सर। एक मर्डर केस के सिलसिले में आया हूँ, एविडेंस में तुम्हारी ये बेडशीट ही मिली है। सब लोगों ने मिलकर प्लान किया है क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो होलसेल में सस्ते में माल बेचता हूँ। मेरे यहाँ से ले जाकर राजस्थानी लोग उसे अच्छे भाव में बेच देते हैं। कोई नॉर्थ इंडियन भी आता है क्या बेडशीट लेने? हाँ सर, 4-5 लोग हमेशा ले जाते हैं। उनकी लिस्ट है तुम्हारे पास? ए दुबे रजिस्टर निकाल, जरा लिस्ट कॉपी करो। सारी डिटेल सर को दे दे। ये देखिए। हेलो, मैं लड़के का बाप बोल रहा हूँ बेटा। हम निकल चुके हैं, हम कुछ देर में पहुँच जाएंगे। किसका फोन है? आपके समधी का। तभी मुझे मंदिर ले जाने के बहाने साड़ी पहनाकर सुबह से सजा के रखा है ना? मैं तुम्हें कल ही बताना चाहता था। ये सब करने के लिए किसने कहा था? अपनी बेटी की शादी के लिए किससे पूछूं? मुझसे पूछिए, आने दो उन्हें, उनकी बेइज्जती करके धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। सिर्फ उनको ही मत निकालना, मुझे भी निकाल देना। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि सौतेली माँ आकर मुझे सताएगी? हाँ पल्लवी बेटा, आपको जो ठीक लगे वो सही है, मुझे जो ठीक लगे वो गलत है। ऐसा नहीं है बेटा। फिर कैसा है? मेरी बात समझो, इस दुनिया में एक आदमी अकेले रह सकता है पर औरत अकेली नहीं रह सकती। अब बस कीजिए पापा। हाँ तुम कितना भी डांट लो, बस याद रखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम सुख से रहो ताकि मैं चैन से मर सकूं। पापा आपके साथ रहने में ही मेरी खुशी है। मैं जानता हूँ पल्लवी बेटा, पर मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप बस यही चाहते ना कि मैं शादी कर लूँ, बस यही ना? तो जो लड़का घर जमाई बनेगा मैं उससे शादी कर लूंगी, खुश ना? दामाद भी हमारे साथ रहेगा पल्लवी बेटा। क्या है? मैं अकेले 3 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगा? हाँ बना लूंगा बना लूंगा। ए, मेरी बेटी राजी हो गई है, बस इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड होती अगर तुम अपना काम पूरा करते। वो अपार्टमेंट मर्डर केस अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ जबकि वो मर्डर दिन दहाड़े हुआ है? नहीं सर, इंक्वायरी चल रही है सर। उसका कोई एविडेंस मिला? नहीं सर, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूं। इसी हफ्ते में तुम्हें ये केस सॉल्व करना है कैसे भी। लड़का कहां रह गया? वो काम पर है, थोड़ी देर में आ जाएगा। जरा अपनी लड़की को बुलाइए, हम लोग तो उसे देख ले। पल्लू बेटा, अब पल्लवी बेटी हमारे लिए चाय तो लाओ। लिस्ट में जिन 8 लोगों के नाम थे वो 8 लोग आ गए कि? सर बाकी 3 में से 2 लोग आउट ऑफ स्टेशन है और 1 का फोन नहीं लग रहा है सर। ये क्या कैलेंडर? लिस्ट में उन 8ों की पूरी पूरी डिटेल मौजूद है, ऐसा कैसे चलेगा?
कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? मैं बिहार से हूँ साहब। हम दोनों झारखंड से आ रहे हैं। मैं उड़ीसा से हूँ। पटना। कहाँ रहते हो यहाँ? साहब मैं मालवनी में रहता हूँ और ये दोनों मेरे साथ रहते हैं। पिछले दो दिन से कहाँ थे तुम लोग? साहब मैं तो वसई में था। मैं चेंबूर गया हुआ था। तुम सब लोग उसी दुकान से बेडशीट खरीदते हो क्या? उस दुकान से खराब बेडशीट लेके बाहर बेचते हैं साहब। अखिलेंद्र जरा ले देना मुझे। पवन शर्मा, मंगल सोनू, इन सब के बारे में क्या जानते हो? गोवंडी घाट को पर कांजोर मार्ग में या उसके आसपास किसी ने बेडशीट बेची है क्या? घाट को पर में बेचा साहब। सच बोलो। साहब साहब मैं तो वैसे में बेचता हूँ रोज। राहुल को जल्दी से फोन करके यहाँ बुलाओ। करो भी। ससुर की नाक शिमला मिर्च जैसी है और सास का चेहरा कद्दू जैसा है। सुनिए जी, लड़की तो बड़ी संस्कारी दिख रही है। हमारे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। हमारी फैमिली को ऐसी ही बहू चाहिए। क्यों पापा, भगा दो इन्हें। अगर ये हमारी शर्त मान जाए तो मजा आ जाएगा। है चाय गरम है? थोड़ी है। सुड़कने के लिए प्लेट मंगाओ। नहीं नहीं रहने दीजिए। आपकी कितनी गाड़ियां हैं? एक फोन आ रहा है। क्या हुआ? जो 10 गाड़ियां जयपुर और 15 गोवा भेजी थी वो वापस कब तक आ रही हैं? अरे जल्दी भेजो। 1000 गाड़ियां होने के बाद भी सर्विस कम पड़ जाती है। क्या कह रही थी आप? कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ, लिपस्टिक वाली अच्छी है। ठीक किया। किसी ने मुझसे झूठ बोला ये पता चला ना तो सबको मार डालूंगा। नहीं नहीं साहब, एनकाउंटर कर डालूंगा। कुछ भी नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। चुप कर। पुलिस पकड़ो। हेलो। ए तू कहाँ है? हम लड़की वालों के यहाँ। मैंने कहा था ना मैं नहीं आ सकता, तुम लोग देख लो ना। नाराज मत हो, लड़की देख के चले जाना। बेटा बहुत ही सुंदर है। मैं ड्यूटी पर हूँ, नहीं आ सकता। ए चुप कर, पापा से बात कर। ए कहाँ पर है? लड़की वालों के सामने बेइज्जती करवाएगा? जल्दी यहाँ पर आ जा, तुम्हारे आने के बाद जाएंगे। जी हाँ हाँ। ए जी, राहुल आ गया। ये है हमारा बेटा। बेटा जरा उधर भी देख, ये लड़की एकदम बंदरिया लगती है। चलो माँ। इसने मुझे बंदरिया कहा? ए! मुझसे सुंदर लड़की कोई देखी भी है? बंदरिया हूँ वो भी मेरे मुंह पर कहा? अबे ओए, मैं जो बोल रही हूँ लिख लो। मैं लिख लेता हूँ। 1, 2, 3, 4 ये सब तो चैलेंज से भर गई है। इसे कहाँ लिखूँ? हाँ बीच में लिख देता हूँ। किस बात का घमंड है तुम्हें? घमंड है तुम्हें? मुझसे सुंदर लड़की मिल जाएगी? मिल जाएगी। पापा पापा कुछ भूली क्या? नहीं, लगी रहो। हाँ अगर मिल गई, मिल गई तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। कुंवारी रहूंगी। चैलेंज है, चैलेंज है। कितनी बदतमीज लड़की है ये। तू चल बेटा। ये तो तूने बोला है। पता नहीं कब ये सारे चैलेंज। पापा उसने मुझे बकवास कहा। इसे भूल जा बेटा, हमारी गली में ऐसे 40 हैं। पूरे इलाके में बस तू ही एक सुंदर लड़की है। ठीक है मैं मान लेती हूँ। सच कह रहा हूँ, किसी से भी पूछ लो। फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही क्या? हेलो, वेलकम टू पल्लवी खन्ना कॉल टैक्सी। मैंने टैक्सी बुक की थी। हाँ बोलिए सर। अभी तक आई नहीं? हाँ हाँ 10 बजे पहुँच जाएगी। ड्राइवर का नाम क्या? ड्राइवर का नाम आनंद है, वो कॉल कर लेगा। ओके सर, हैव अ सेफ जर्नी। पापा मैंने हर जगह खोज लिया, चाबी देखी क्या? नहीं देखी। ओफो। पापा आपने कहीं गुमा तो नहीं दी? नहीं जानता। पापा इतने आराम से कैसे बैठे हो? लंबा टूर है, पूरे 20 दिन का। 50,000 मिलेंगे, चाबी नहीं खोजेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ओफो, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। हम तो आराम करेगा, जमाना काम करेगा। नमस्ते सर। मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? कौन हो तुम? एक्टिंग ड्राइवर सर। क्या? एक्टिंग ड्राइवर। रजनीकांत जैसी एक्टिंग करते हो क्या? डब फिल्में नहीं देखते? हाँ बोलिए मैडम। देखिए कार की चाबी खो गई है, अगर आप किसी तरह से उसे स्टार्ट कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। अभी नहीं आ पाऊंगा, बहुत ही काम में हूँ मैडम। तो फिर आप बताइए, आप किसी और को भेज दीजिए प्लीज। प्लीज सर। ठीक है आता हूँ। प्लीज प्लीज मत बोलिए। थैंक यू।
अच्छा आमिर खान की एक्टिंग करके दिखा सर। अरे क्या सर सर सर, एकदम फ्लैट एक्सप्रेशन है। जब एक्सप्रेशन नहीं आते तो एक्टिंग क्यों करते हो यार? तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी फिरकी ले रहा हूँ, पर लगना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारी फिरकी ले रहा हूँ। नमस्ते मैडम। अरे क्या मेरे पीछे मैडम आ गई? क्यों इसके पीछे पड़े हैं? उठकर कुछ काम क्यों नहीं कर रहे? मैडम बोनेट खोलिए ना जल्दी। हम तो आराम करेगा, जमाना काम करेगा। अभी स्टार्ट कर देता हूँ, बिना चाबी के 150 गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ। ये बिना चाबी के इंजन स्टार्ट कैसे करेगा? ये हेड या टेल खिलेगा क्या? ये टिंगू जादूगर है क्या? पेमेंट भिजवा देना मैडम। रास्ते में इसकी चाबी जरूर बनवा देना। ओके मैडम। उसकी जरूरत नहीं है, इसकी चाबी मेरे पास है। पापा आपने चाबी क्यों छुपाई थी? जिम्मेदारी है या नहीं? मेरी जिम्मेदारी तो तुमने इसको दे दी। देखो बेटा, जब तुम छोटी थी तो तुम्हें पुणे अलीबाग लेकर मैं गया था ना, और अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो पापा को कभी घुमाने ले गई, अब जब मैं इसमें घूमना चाहता हूँ तो तुमने एक्टिंग ड्राइवर रख लिया। अपने एक्टिव बाप को तुमने रिटायर कर दिया, इसलिए ये चाबी चुरा ली मैंने। अब मैं बेकार आदमी हूँ ना, अब ये चाबी भी तुम ही रखो और जाओ। हम तो आराम करेगा, जमाना काम करेगा। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? गियर लगा रहा हूँ मैडम, ये चल नहीं रही। सर वो तीन में से दो लोग बहुत पहले ही गांव जा चुके हैं। और तीसरा? उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है सर, नॉट रीचेबल आ रहा है। दुकान में गलत नंबर दिया है उसने। वो बेडशीट रेगुलर खरीदता था? नहीं सर, रेगुलर तो नहीं, बस दो बार बेडशीट खरीदी उसने। फोटो दिखाओ। नकली पता, बेडशीट रेगुलर नहीं खरीदता था। इसी पर शिकंजा कसते हैं हम लोग। ओके सर। चला रहे हो? दिखता नहीं है क्या तुझे? गाड़ी ठीक से चलाओ, दिखाई नहीं देता, बच्चा भी है। सॉरी मैडम। तेरे भरोसे हम पहाड़ का इतना लंबा सफर कैसे तय करेंगे? पहले पता होता तो तुझे लेकर ही ना आते। ए जी समझाओ इसे। तू जरा ठीक से चला। दाहिनी और अलीबाग है, आप लोग अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लें, अब हवाई जहाज उतरने वाला है। ओए उल्टी कौन कर रहा है? छीक, उसी से साफ करवाऊंगा। पापा अंदर जाकर क्यों नहीं सो रहे हैं? ये कार है, ये तो हवाई जहाज है। अरे मेरी बोतल छीन कर कौन ले गया? अरे मेरे घड़े पर हाथ मत मारो, ये फूट जाएगा बेचारा। जहाज लैंड कर गया। हेलो, हाँ बोलो आनंद। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है क्या? क्या गड़बड़ है? अरे कुछ बताओ। हम बच गए हैं मैडम। मैडम कार ने मरवा दिया होता। कार में कोई है मैडम, मुझे बहुत डर लगा। कार कहाँ है?
तुम लोग कहाँ हो? जगह तो बताओ। इगतपुरी खान के पास, यहीं जंगल में गाड़ी रुक गई है मैडम। हेलो हेलो, पापा, Come on!
सर लगता है ये वही है जिसे हम अपार्टमेंट मर्डर केस में ढूंढ रहे हैं। इसके ऊपर से कोई कार निकल गई है सर, लेकिन बदन देखकर लगता है किसी जानवर ने हमला किया, लेकिन ये कार से ही मरा है सर। कब हुआ ये? अभी कुछ 2-3 घंटे पहले। कहाँ का रहने वाला ये? नहीं वो तो नहीं पता। वो दुकान वाला कहाँ गया, उसको बुलाओ जरा। ए इधर आ तू। हाँ सर। देख के पता ये साइकिल वाला वही है। ठीक है, यही है सर। जरा ध्यान से देख। यही है सर, यही है। ठीक है जा। तुम में से कोई इसको जानता है क्या? अरे बकोना, तुम में से कोई इसको जानता है? यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। ए कामड़े भगा इन लोगों। कुमार सर, तेरा देखना ये क्या? सर ये तो किसी कार के रेडिएटर का ढक्कन है। किसी ने हमारा पीछा करके पवन को मार डाला। अगर पुलिस हमारे नंबर के जरिए हम तक पहुंच भी गई तो तू अपना मुंह मत खोलना। कुछ दिन के लिए तू गायब हो जा, मैं किसी और नंबर से तुझे कॉल करूंगा, फिर देखते हैं। कार से कुचल के मारा है, मेरे दोस्त को मारा है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे, समझा? उसे तो मैं कुत्ते की मौत दूंगा। फॉरवर्ड करना। स्टॉप स्टॉप रिवाइंड प्ले प्ले। कुमार शुरू से प्ले करना वापस। मैंने कहा था यहाँ से वापस जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू खुद को समझता क्या है? तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हारे उस कार पर एक कुत्ते की आत्मा है। कार कुत्ता है या कुत्ता कार है? कुत्ते की आत्मा उस कार को आसानी से नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें ढूंढ चुकी है। नहीं बूढ़ी माँ, मैंने ये कार जानबूझकर खरीदी थी। नहीं, उसने इशारा दिया था। अपना काम खत्म करके ही वो तुम्हें छोड़ेगी। ओहो, अगर उस कुत्ते को कार चाहिए थी तो वो लग्जरी कार चूज करता, उसने हमारी खटारा क्यों ली? गलती हो गई। उस कुत्ते का तुमसे जरूर कोई संबंध है। उसने तो बर्बाद कर दिया। तुम्हारी कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी कार की हेडलाइट उस कुत्ते की दो आंखें हैं, उस कार के चारों पहिए उस कुत्ते के चार पैर हैं। ट्यूबलेस पैर हैं या ट्यूब वाले? उस कार के दोनों बगल वाले शीशे उसके कान हैं। पीछे से धुआं निकलने वाला पाइप उसकी पूंछ है। बस आगे कुछ मत बताना। उसने अपने तरीके से तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुम नहीं समझे। कुत्ता भैरव का वाहन है,
ये लो भैरव की भभूत वाला एक रुपए का सिक्का, इसे ले जाकर कार में ऐसी जगह बांध दे जिसे कोई देख ना पाए। ले जा, अपना काम करके वो तुझे छोड़ के चला जाएगा। सर, ये रहे उस जगह के टायर के निशान। जहां मर्डर हुआ उस सबवे से 500 मीटर की दूरी पर हमको उस लड़के की साइकिल मिली, मतलब उस कातिल ने एक सुनसान सबवे तक उस लड़के का पीछा किया और उसे मार डाला। और वो जिस जिस सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजरा ठीक उसी समय सारे सीसीटीवी कैमरे जाम होते चले गए। अब हमारे पास दो एविडेंसेस हैं, जिसमें एक है रेडिएटर कैप। आजकल ऐसा रेडिएटर नहीं चलता साहब, कुछ टाइम दीजिए मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा है टायर मार्क्स, जिसने भी उस लड़के का खून किया है उसी की कार के ये दोनों सबूत है। सर, इस रूट पे तो कितनी कारें जाती होंगी, कैसे पता चलेगा कि ये उसी कार के निशान है? नहीं अखिलेंद्र, फॉरेंसिक रिपोर्ट में उस लाश पर जो छाले पड़े हैं वो एसिड नहीं बल्कि रेडिएटर के उबलते पानी की वजह से पड़े हैं। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जिस कार के ये टायर के निशान और रेडिएटर कैप है वही है वो कार। अरे किसी एक आंख वाली बुढ़िया के कहने पर एक रुपए का सिक्का लगा दोगे तो क्या भूत भाग जाएगा? इतनी आसानी से नहीं भागने वाला। इस जिद्दी और चित्र विचित्र भूत को भगाने के लिए बनारस के तांत्रिक का फॉर्मूला लगाना होगा, तभी कार से कुत्ते का भूत भागेगा और ये कार फिर से पैदा होगी, नया जन्म लेगी। मैं हूँ एकदम सच्चा, ये है बिल्कुल बच्चा, मैं हूँ इसका बाप, ये है एक आँख वो दूसरी आँख, कर दूंगा दोनों को राख, तुम दोनों आँखों को निकाल कर गोटियाँ खिलूंगा। ये जो टायर है इसकी टांगे है, ट्यूबलेस है या ट्यूब वाले है, जैसे भी है इनकी हवा निकाल दूंगा। ये कान है, इसकी शान है, आए, आए, काट के थूक दूंगा। साइलेंसर है, इसकी पूंछ है, लात मार के तोड़ दूंगा। उस महान बनारसी तांत्रिक के सारे मंत्र मैंने इस पर डाल दिए। चल मेरी माँ, अब तेरी चुम्मी लेता हूँ। ये क्या हुआ, नींबू उड़ कैसे गया? ढीला रहा होगा। ये क्या, अरे बाप रे, ये रेडियो कूद कैसे बज रहा है? ये वाइपर भी अपने आप कैसे चलने लगे? बचाओ, मार डाला रे। बहुत हुआ, अब या तो वो यहाँ रहेगी या तो मैं रहूंगा। छोड़ो, मुझे ही नहीं रहना है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। हमें परेशान क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, हमारा क्या रिश्ता है, जरा बताओ। क्या रिश्ता है, बता दे क्यों नहीं। कैसी हो तुम, ठीक तो हो ना? आप मुझे जानते हैं दादाजी? हाँ जानता हूँ बेटी, क्योंकि दादाजी दादाजी गाड़ी रोकिए दादाजी।
क्या हुआ? दादाजी सुनिए ना, हा? इस पप्पी को हम घर ले चले प्लीज दादाजी, मना मत करना। ठीक है बेटा, ले चलो। थैंक यू दादाजी। कंचना, तुम्हें कंचना नाम पसंद आया? दादाजी आज से ना इसका नाम कंचना। अच्छा नाम है ना? मेरी छोटी सी बच्ची के साथ जो वहशियाना हरकत हुई थी उसके बारे में दुनिया ना जाने, उसके लिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। मेरी बच्ची के चले जाने के बाद कंचना ने भी खाना पीना छोड़ दिया और वो भी इसी कार में चल बसी। पल्लवी बेटा, अरे कार के साथ तुम एकदम से गायब हो गई, कहाँ गई थी? पापा की बात का जवाब तो दो। वो लड़की अभी जिंदा है, तुम्हारे अंदर जिंदा है। उस कुत्ते की आत्मा तुम्हें अभी भी वही लड़की समझती है। उन तीनों आदमियों को वो तुम्हारे सामने मारना चाहती है, इसीलिए वो तुम्हें ढूंढती हुई आई है। हेलो साहब, जो रेडिएटर कैप आपने दिया था वो 1980 के मॉडल का है, ऑस्टिन कैम्ब्रिज का। हाँ बोलो। आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑस्टिन कार है। एक कार लास्ट ईयर कबाड़ में डाल दी गई और दूसरी कार किसी पल्लवी खन्ना के नाम से रजिस्टर्ड है। डिटेल्स भेजता हूँ। कुमार सीधे मधुर नगर ले लो। यस सर।
यस चल। सीधी तरह से सच सच बताओ, मर्डर की जगह पर तुम्हारे कार का रेडिएटर कैप मिला है, आधी रात को तुम वहां पर क्यों गई थी? तुम दोनों में क्या कनेक्शन है? उस आदमी को तुमने क्यों मारा? कार मैं क्यों लेकर जाऊंगी सर? मैं किसी को क्यों मारूंगी? मैं कुछ नहीं जानती सर। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं। ज्यादा चला। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पता है ऊपर से कितना प्रेशर है, एक नॉर्थ इंडियन मारा गया है। सर मैं उसी मर्डर के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूँ। कौन है ये लड़की? उस उत्तर भारतीय लड़के के मर्डर में मुझे इस लड़की पर शक है सर। मैंने कुछ नहीं किया। मर्डर स्पॉट से हमें एक कार के रेडिएटर का कैप मिला है और वो कार इसी की है। सर सच में मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मानता हूँ, रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। आधी रात को ये बाउंड्री की दीवार फांद कर मेरे घर के अंदर घुसा है और इंक्वायरी के नाम पर मुझे यहाँ पर खींच कर ले आया। इनके साथ कोई लेडी इंस्पेक्टर भी नहीं थी। मेरे पापा को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैंने और पापा ने बड़ी मुश्किल से तो कॉल टैक्सी शुरू की है और रेडिएटर के कैप के लिए ये मुझ पर शक कर रहे हैं सर। मुश्किल से एक पुरानी कार खरीदी, वो जहाँ भी जाती है उसका कुछ ना कुछ टूट जाता है। अगर उस एरिया में कैप मिला तो खून की जिम्मेदार मैं कैसे हो गई? आप खुद ही देखिए सर। कहाँ है वो, दिखाओ मुझे। अच्छा ये है, लाओ। सबवे में उसे कार से मैंने ही मारा है। ए, ए, क्या हो रहा है? कुछ भी उठा लाओगे उसे एविडेंस बोलोगे? हाँ सर ये एविडेंस। अब आप खुद ही देखिए सर, इसे ये एविडेंस कहते हैं। आप ये भी सोचिए ना कि वो कार से मरा है तो मर्डर की जगह पर वहाँ पर कार के टायर के निशान होंगे तो मेरी कार के टायर के भी निशान होंगे ना सर। इनसे पूछिए कि वो मिलते हैं या नहीं। वो चेक किया था तुमने? चेक तो किया था बट टायर के निशान मैच नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे पास टायर मार्क्स हैं? निशान कैसे मैच करेंगे, टायर तो मैंने बदल दिए। सर ये लड़की सिर्फ नौटंकी कर रही है। टायर मार्क्स मैच नहीं हो रहे, प्रॉपर एविडेंस के बिना तुम एक औरत से पूछताछ नहीं कर सकते, पता नहीं क्या? सर मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, ये बिना किसी विमेन पुलिस के मुझसे ऐसे कैसे पूछताछ कर सकते हैं? अगर ये ऐसे ही मुझे टॉर्चर करेंगे ना तो मैं प्रेस और मीडिया में जाके बात करूंगी। सॉरी तुम जा सकती हो। देखो जरा तुम्हारे पास कोई और प्रॉपर एविडेंस नहीं है। परेशान मत कीजिए, मैं हाथ छोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। चैलेंज है, पूरा जोर लगा ले, दो और जाएंगे। मैं तुझे रंगे हाथों। सर सर देखिए ये फिर से वैसी ही बात कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ तुम जा सकती हो। सर जब हमारे पास सबूत नहीं है तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? इसने टायर और कैप को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। इसे पकड़ने के लिए और सबूत लाने के लिए हमें उन दोनों को ढूंढना होगा। कवर भी ले लिया। ज्यादातर गोटियां चली गई और तुम धरी की धरी रह गई। हर बार पापा ही जीतता है, हर बार। जब भी मैं क्वीन लेने जाता हूँ तो हाथ अटक जाता है, दिल धड़कने लगता है। क्या कहा पापा? क्वीन लेते समय मेरा दिल जोरों से धड़कता है। हेलो, हाँ पल्लवी खन्ना कॉल टैक्सी, बताइए। सॉरी हाँ अभी हम छुट्टी पर हैं, आप बाद में फोन कीजिए। कंचना तुमने जब सबवे में उस आदमी को मारा, ओफो, मुझे सुन रही हो? जब तुमने उस आदमी को सबवे में मारा तो मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी। और फिर हाँ ऐसा तब भी हुआ था जब मैं कार खरीदने सेंटर पर गई थी, लेकिन तब मैं इस बारे में जानती नहीं थी। क्या वहाँ कोई और था? अगर हाँ तो एक हॉर्न दो, अगर नहीं तो दो हॉर्न दो। कंचना वहाँ वो दूसरा था क्या? कंचना मैं शक्ति कार के सामने की रोड की सीसीटीवी फुटेज लेकर आई हूँ, अगर फुटेज में वो दिखाई दिया तो तुम बता पाओगी?
ओके। मैं यहाँ पास ही में पानी पूरी बेचता हूँ, पार्वती हाउसिंग सोसाइटी में। कंचना, सोचा था कि मैं हार्टबीट से उसे पहचान लूंगी, पर अब उन्हें ढूंढूं कैसे? वो लोग रहते कहाँ हैं? कंचना, ये क्या कर रही हो? तुम कहाँ ले जा रही हो कंचना? कंचना, यहाँ कोई नहीं है, उसे मार देते हैं। अरे रुक क्यों गई? उसे मार देना था ना। अरे वो चला जाएगा, क्या कर रही हो यहाँ पर? क्यों जा रही हो? क्या हुआ कंचना, क्या हुआ? ए, तुम छुप क्यों गई? तुमने अच्छी अपॉर्चुनिटी गंवा दी, उसे इसी वक्त मार सकते थे। ए, रेजिडेंशियल एरिया में क्या कर रहा था? गोलगप्पे बेच रहा हूँ साहब। यहाँ अलाउड नहीं है, मेन रोड पर जाके बेचो। ठीक है साहब। हम दोनों ही पकड़े जाते। तुम तो वाकई बहुत समझदार हो कंचना, मैं ही हड़बड़ा रही थी। कंचना, अब उसके लिए दूसरा प्लान बनाते हैं, ठीक है ना?
सर, पिछले चार दिन से हम उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो जगह जगह टहलती रहती है, कभी अन्ना नगर, कभी टीटी के रोड, लेकिन पिछले दो दिन से वो नॉर्थ इंडियंस की पार्वती हाउसिंग सोसाइटी के पास किसी को ढूंढ रही है। अब वो किसे ढूंढ रही है ये पता नहीं लग पा रहा है सर, और शायद उसने मुझे देख लिया है। आज वो घर से बाहर निकली नहीं है सर। अगर मेरी गैसिंग सही है तो आज रात भी वो उस नॉर्थ इंडियन एरिया में जरूर जाएगी। तो उस एरिया में पुलिस फोर्स भेज दें क्या सर? एक पिद्दी सी लड़की को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स? सर वो लड़की घर से निकल चुकी है, सेफ डिस्टेंस से फॉलो करो। ए, चल गाड़ी निकाल, जल्दी कर। सर ये लड़की तो पार्वती हाउसिंग जा रही है। सर जैसा आपने कहा था, गाड़ी पार्वती हाउसिंग सोसाइटी ही जा रही है। चकमा न देने पर पार्वती हाउसिंग में अपनी टीम के शेखर और धीरज से कोऑर्डिनेट करो। ओके सर। शेखर कार एंट्री ले रही है, जरा ध्यान रखना उसके ऊपर। ठीक है सर। सर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सारे नॉर्थ इंडियंस की डिटेल्स और फोटोज यहाँ पर है, तो गाड़ी के पीछे ही रखना बिल्कुल। हाँ एक कुल्फी देना। अखिलेंद्र कहाँ है वो? वो कुल्फी खा रही है सर। ठीक है, उसके पीछे ही रहना। चलो 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 चलो, हम लोग दोबारा गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। ठीक है, पीछा करते रहो। कंचना अब मेरा काम शुरू होता है, तुम इनका ख्याल रखना। एक मिनट, जरा पीछे जाओ, जरा रुको, इसकी डिटेल निकालो। इस पानीपुरी वाले को मैं, नाम क्या है? राम। कहाँ रहता है? पार्वती हाउसिंग। यहाँ तो वर्सोवा लिखा है, वो तो पार्वती हाउसिंग बोल रहा था, यानी इसका नाम भी गलत है। हेलो। हेलो, कौन है? कुछ दिन पहले तुमने एक लड़की का रेप किया था, याद है ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। अब पुलिस इनकाउंटर करने आ रही है। इनकाउंटर करने आ रही है, लेकिन तुम कौन हो? तुरंत भाग जाओ, कुछ गड़बड़ मत करना। अच्छा, फोन तुम्हें बचाने के लिए किया है, तुम्हारे फ्रेंड को भी पुलिस ने ही मारा है, पिछले दरवाजे से भाग जाओ। हेलो हेलो, गाड़ी ने लेफ्ट साइड में टर्न किया है, कवर करो। भाई भाई, पुलिस ने चारों तरफ से मेरे घर को घेर लिया है। एक लड़की ने मुझे ये बताया, पुलिस मेरा एनकाउंटर करना चाहती है। ए, देख देख, तू घबरा मत, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। पीछे के रास्ते से भाग जा और अपना फोन स्विच ऑफ कर देना। पुलिस हमारा फोन ट्रैक कर रही है, समझा? हाँ समझ गया भाई, लेकिन लेकिन आप कहाँ हो?
अक्षय। अरे भाई क्या हुआ? Run baby run, अक्षय। Run baby run। सर वो कहीं नहीं रुकी सर, गाड़ी घर में पहुंच गई है। ओके। सर पार्वती हाउसिंग में एक नॉर्थ इंडियन की लाश मिली है। सर ये वो आदमी है जो नॉर्थ से लोगों को लेकर आया था, उनमें से एक पानीपुरी बेचता था और दूसरा बेडशीट बेचता था। ये तीनों दोस्त थे सर, तीनों मिलकर अपराध करते थे। एक का एड्रेस मिला है, उसका नाम है मुकेश। यस। हटो, चलो चलो पीछे हटो जाओ। पता चला? पता किया सर, वो अभी बाहर निकला है। तुम लोग मुकेश का पता जानते हो? कहाँ रहता है वो? वो वही था ये तुमने ठीक से पता किया? हाँ बिल्कुल सर, हमारे पास उसकी फोटो भी आ चुकी। बिल्कुल कंफर्म है कि वो भाग गया? हाँ सर। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह अपनी पूरी टीम को तैनात कर दो। ओके, कुछ भी हो जाए शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए वो। ठीक है सर। सारी डिटेल्स लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। करता हूँ सर। कुमार चलो। यस सर। हेलो। कैसी हो बेबे? कौन है? तुझे खेलने का बड़ा शौक है ना? तेरे बाथरूम का हीटर देख, उसमें आग लग गई है। आग यहाँ जाके देख। तुम हो कौन? पता चल जाएगा रे। पहले जा देख तो सही। हाँ देखा, डर लगा क्या? देखा, टाइम पे तुझे बचा लिया। तुम चाहते क्या हो? लगता है गैस भी लीक हो रही है। जा जा जल्दी जा, आग लग जाएगी। जा। तुझे चाहिए क्या? बताते क्यों नहीं? अरे जो मुझे चाहिए था वो मैं लेके जा चुका हूँ। देख घर में कोई बड़ा है क्या? अरे जा ना, चेक कर गया। पापा, पापा, पापा कहाँ हैं? तुम हो कौन? पापा मिल नहीं रहे। ए, मैं भाई हूँ, तेरा तीसरा निशाना। मुकेश यादव, पुलिस जब तेरा पीछा कर रही थी तब मैंने उनका पीछा किया था। पुलिस से तो तू बच गई लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगी। बड़े प्लान से काम करती है ना तू, तो मैंने भी प्लान बना के तेरे बाप को उठा लिया। सुन, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तू मारा जाएगा। अबे मैं चाहूँ ना तो तुझे अभी क्या भी मार सकता हूँ। मेरे दोनों दोस्तों को मारना तूने, उनकी जान ले ली। अब तुझे पता चलेगा कि कोई अपना चाहता है तो कैसा लगता है। इसलिए मैंने तेरे बाप को उठा लिया। अब ढूंढ उसका, हिम्मत है तो तलाश करके देगा। Thank you.
क्या तुम चादर सूंघकर पापा का पता लगा सकती हो? सिस्टम है सर, ये रहा। फास्ट कुमार, तुमने उसके मोबाइल नेटवर्क को ट्रेस किया? नहीं, वो नहीं किया सर। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तू मारा जाएगा। अबे मैं चाहूँ ना तो तुझे अभी गो, 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 गो। हम उसका पीछा कर रहे हैं। कंचना कुछ करो। कंचना, क्या हम गाड़ी को गोल घुमा सकते हैं? यही मौका है, घेर लो उसे।
है कि तू मेरे चंगुल में फंस ही गई। मैं नहीं, तू फंस गया। अब तू देख कैसे मैं गिद्ध की तरह तेरी चमड़ी नोच नोच के उधेड़ता हूँ। हट, मर्द है तो छू के दिखा, कायर। तू तो गई। अंजना, मुझे कुछ लेगी, बाहर निकल निकल निकल, नहीं तो रुक जा रुक जा। चाबी निकाल, चाबी निकाल। पल्लवी, चाबी मत निकाल, चाबी मत निकाल। नहीं पल्लवी, चाबी मत निकाल, चाबी मत निकाल। निकाल चाबी। चाबी फेंक। नहीं बेटा, फेंक चाबी। सर्कस की गाड़ी लेकर मुझे डरा रही है? मेरे दो दोस्तों का मार डाला तूने? ये सर्कस की गाड़ी नहीं है, ये किसी की आत्मा है। क्या कहा? आत्मा? आत्मा मतलब भूत, प्रेत, पिशाच। मुझे डर लग रहा है, मुझे मार डालेगी। भगवान मुझे बचा ले, भगवान। तुझे बचाएगी वो? वो आएगी तुझे बचाने? वो तुझे छोड़ेगी नहीं। आत्मा बचाने आएगी? हाँ, मजा आएगा, मजा आएगा। चल चल, उठ उठ, देखता हूँ कैसे बचाती है। चल। बुलाओ उसे।
कोई नहीं आया। बुलाओ सर, बुला। क्या बोले कंचना? कंचना, ये कंचना सुन ना, बाहर आना। कहाँ है कंचना? पीछे से बुला।
कंचना, इसे तुम मौत दे। कंचना की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।